धन धन सतगुरु तेरे आसरा। हों वारी जियो वारी अमृत नाम मन वसावणिया। अमृत नाम महारस मीठा गुरमती अमृत पियावणिया। अमृत नाम महारस मीठा गुरमती अमृत पियावणिया। इस गुफा में अखुट भंडारा इस गुफा में अखुट भंडारा तिस विच वसे हर अलख अपारा। सुनो भाई, ये जो संतों का उपदेश है ये सबके लिए है। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चूड़ा चमियार या हिंदुस्तान करने वाला है पाकिस्तान करने वाला है चीन करने वाला है कोई फर्क नहीं पड़ता। पर थाई साखी महापुरुष बोल दे सांझी सकल जाने। बारे में पढ़ते हैं खत्री ब्राह्मण सूद वैश उपदेश चौं वर्णों का संजा। उनका उपदेश सबके लिए है। ये गुरु अमरदास जी की वाणी है। गुरु अमरदास जी को बचपन से ही मालिक के मिलने का शौक था। वो मूर्ति पूजा तप ते व्रत तीर्थों पर जाते रहे। कहाँ अमृतसर के पास उनका गांव और कहाँ हरिद्वार। पहले गाड़ियाँ नहीं होती थी, पैदल जाना पैदल आना। 21 साल तक हर साल गंगा स्नान को जाते रहे। उनको कोई तसल्ली नहीं मिली। फिर वो गुरु अंगद साहब की शरण में आए। गुरु अंगद साहब ने उनको सिमरन बताया। उन्होंने मेहनत की, दिन में सारा दिन सेवा करनी, रात को किली से केस बांध के अभ्यास करना। वो मालक को देखने वाली आंख वो होर है। गुरु नानक साहब ने लिखा है नानक से अखड़ियां बेन जिना सिंधो माँ पीरी। यूपी के अंदर एक तुलसी साहब फकीर हुए हैं जिन्होंने घट रामायण लिखी है। वो कहते हैं है घट में, वो मालिक सबके अंदर है घट में सूरत नहीं दिखाई नहीं देता। लाण तैसी जिंद तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। एक के नहीं है हमारे सबके मोतिया बिंद है। हम ये पढ़ते हैं भी वो राम सबके अंदर है, देखे तो नहीं है, हम तो झूठ बोलते हैं। संतों ने उस मालिक को अंदर प्रकट किया है ते बाहर बयान किया है। ये गुरु अमरदास जी क्या कहते हैं कि इस गुफा में अखुट भंडारा किस विच बसे हर अलख अपारा। वे मालिक वो इन आंख से देख नहीं जाता। वो मालिक को देखने वाली आंख वो हो रहा है। वो आंख कैसे खुलेगी, पहले पूरा कोई गुरमुख मिल जाए, वो मालिक के हुक्म का सिमरन बताए। संत अपनी नजर से जुबान से इसके अंदर वो राम नाम का बीज डाल देते हैं। संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे संतन का गुर प्रसादी तरिए। एक सुंदर महल है, हमने उसके अंदर जाना है, बाहर ताला लगे है। अब जिसके पास चाबी है उसकी गर्द करेंगे, उसे चाबी लेंगे, चाबी ताले के अंदर डालेंगे, चाबी फेरेंगे तो ताला खुल जाएगा। इसी भी एक महल है, मालिक ने सब कुछ इसके अंदर रखा है। सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाटो सो परम पलाई, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खुज सो पावे। अंदर कैसे जाएंगे, कह राम नाम पूंजी संतनात्रा की कुंजी। राम नाम की चाबी संतों के पास है।
अब कितने तो संत बड़े फिरते हैं, कितने डेरे बनाए बैठे हैं, कितनी गद्दियां चलती है, किसको पूरा संत माने। हम किसी की निंदा नहीं करते ना अपनी बिडाई करते हैं। ये क्या करे, ये अपने अंदर बैठ के बेनती करे, भाई मालका तू मेरे अंदर बैठा है, मैं यहाँ 84 में धक्के खा रहा हूँ, चोरियाँ ठगियाँ ऐप पाप करता हूँ, तू मेरा कोई बंदोबस्त कर। सच्चे दिल से पुकार करता है वो मालिक जरूर सुनता है। ये दुनिया ये संतों से खाली नहीं रहती। कबीर ने लिखा है, आग लगी आकाश में झड़झड़ पड़न अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। इस दुनिया के अंदर हमारे अंदर से ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की लहरें निकलती है, संतों के अंदर से शांति की रोई निकलती है, उन लहरों को ठल पाती है। जुग जुग संत भले प्रभु तेरे, हर गुण गावे रसन सिरे। प्रभु मिलते किसको हैं, जिसके नसीब हैं, जिसके भाग हैं, जिसके अंदर सच्ची तड़फ है। भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभुनाशी कर में पाया। संत मिल गए, संतों ने सिमन बता दिया। संत अपनी नजर से जुबान से इसके अंदर वो राम नाम का बीज डाल देते हैं, मालिक के हुक्म का सिमन बता देते हैं। वो चाबी है ते सिमन करना, ये चाबी फेरना है। हम सिमन करेंगे ते यहाँ मध्य प्रिय जड़ चेतन की गांठ लगी, ये गांठ खुल जाएगी। ताड़े के अंदर चाबी डाल के चाबी फेरेंगे ताड़ा खुल जाएगा, तो इसको सब कुछ मिल जाएगा। संतों ने ये तजर्बा किया है, तिबार बयान किया है कि इस गुफा में अखुट भंडारा। संत प्रैक्टिकल करके बताते हैं। मस्ताना जी बलोचिस्तान से सर से आए, ना तो कोई पास में पैसा था, ना कोई जमीन, ना कोई जायदाद, ना इलाके की बोली जानते थे, ना कुछ पढ़े लिखे थे। उन्होंने बैठ के सिमरन किया, कितना सोना चांदी डालर कपड़े बांटे, कितने मकान बनाए, कितने ग्रह की कमी आई है। मीरा को तड़फ थी, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को क्या दर्द था उसको। बादशाही उसके पास, नौकर चाकर उसके पास, गहने कपड़े उसके पास, पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। पहले वो कृष्ण कृष्ण गिरदर गिरदर करती फिरती थी, फिर उसको रविदास मिलता है। रविदास तो चमियार था, वो राजपूत थी, उसको पहले तसल्ली करा दी। रविदास ने सिमरन बताया, उसने मेहनत की ते नाम को उधर पढ़ कर लिया। वो क्या कहती है, पायो रे नाम रतन तन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद रे समायो, जिसकी चोरी कबून होवे ऐसो धन मिल पायो, खर्चू लाख खत्म नहीं होवे दिन दिन बढ़त सोयो। इसके अंदर ऐसा खजाना है जे लाख खर्च करे तो भी खत्म नहीं होता। ते हमारा हाल क्या है, यहाँ बार चोरियाँ ठगियाँ ऐप पाप करता है, अंधाधुंध ये नहीं सोचता भी आगे हिसाब देना पड़ेगा। ये काल का देश है, प्राया देश है, यहाँ हम जो भी कर्म करते हैं उसका हिसाब देना पड़ेगा। जो किसी का खाएगा तो हिसाब देना पड़ेगा, जब तक हिसाब साफ नहीं होता अंदर जा ही नहीं सकता। अपड़ अंधा धुंध चोरियां ठगियां करता है, हाँ अंधा धुंध चोरियां ठगियां करता है। ये मन इतरलोक की तक काल का देश है। एक दिन घोगड़ आसी है, तीन लोग को 14 भवन में इस घोगड़ करा। आज हम इतने यहाँ बैठे हैं, यहाँ कितनी रौनक है, जब यहाँ ना होती यहाँ कोई भी रौनक नहीं होती। ये त्रिलोक की रौनक की रूहों की वजह से है। पशु है, पंछी है, दरख्त है, कीड़े मकोड़े हैं, आदमी है, बीवियाँ हैं, बच्चे, इनके करके रौनक है। काल ये नहीं चाहता अभी मेरा देश उजड़े, मेरे देश की रौनक खत्म हो। वो एक एक रूह वास्ते पूरी लड़ाई लड़ता है। ये मन काल का एजेंट है, ये छोटा काल है, ये हमारी आत्मा मन के कंट्रोल में है, मन के दबाव में है। ये मन का काम है आत्मा को भ्रमण भटकाना। ये मन हमें मंदिरों में लेके जाएगा, मस्जिदों में लेके जाएगा, गुरुद्वारों में लेके जाएगा, तीर्थों पर लेके जाएगा, पुण्यदान कराएगा, धुनिया तपलेगा, पर ये मन सिमर नहीं करता। ये क्या कहता है, अंधाधुंध चोरियाँ ठगियाँ करता है। ये मन कराता है। दो बड़ी रुकावटें हैं, एक तो शरीर का प्यार, एक दुनिया के ख्याल। ये माया का दिशा, शरीर भी माया है, तो ये मन माया से निकला है। ये माया का प्रेम, शरीर का प्यार सारी उम्र नहीं छूटता, तो कुछ भी नहीं मिलता। हम खाली आए तो खाली चले गए, किसी घर में करोड़ रुपये दबे पड़े हैं, बार वो पैसे पैसे का मोहताज हुआ फिरता है। कोई उसको कहे तेरे घर में करोड़ रुपये दबे तो निकाल ले, ये ना निकाले तो बताने का क्या कसूर है। हाँ अंधाधुंध चोरियां ठगियां करता है, इसको विश्वास नहीं है कि मेरा कभी हिसाब होगा। हाँ बाहर ऐन छाने बने फिरते हैं, लेक्चर देते फिरते हैं, ते अंदर पाप रखते हैं, चोरियां ठगियां करते हैं। वहाँ तो राय राय का हिसाब किताब है, लेके सांसगरा से लेके खाना खाओ,
बगैर हक लाल के कमाई के ये बंदगी होती नहीं है, तुम एक इंच भी अंदर नहीं जा सकते, इस पर कोई विचार ही नहीं करता। हाँ जी, अगर हम ये समझ लें कि हमारे किए के अनुसार ही फैसला होगा तो हम खोटे कर्म क्यों करें? हाँ, मन मानता ही नहीं है। वाणी ये कहती है, जे आप विजय सो लूणा कर्म असंदरकित, कर्म भूमि में वो नाम पूर्ण हो तुम्हारो काम। मन नहीं मानता। आगे, हम अपनी गर्दन अपनी छुरी से आप ही काटते हैं, तो ये दोष किसको दे? सभी अंधे होकर अनगिनत पाप करते हैं और फिर उन्हीं को भोगना पड़ता है। मनुष्य जन्म में संभलना था, वो टाइम तो बुरे कर्मों में गुजार दिया। सुनो, ये त्रिलोक की ये तिहाड़ जेल है, ये 84 लाख जेल की कोठरियां हैं, 30 लाख के दरख्त हैं, 27 लाख के कीड़े पतंगे, 14 लाख के पंछी, 9 लाख के पानी के जीव, 4 लाख के भूत प्रेत जत किन्नर कंदर देवी देवता, 84 लाख सबाई मानस को प्रवधि बढ़ियाई। इंसान को ये एक चांस मिला है उन्हें छुटकारे का बंदोबस्त करने के लिए। कोई आदमी कत्ल कर देता है तो जज उसको फांसी सजा देता है, उसको कहता है 2 मिनट में अपील कर ले नहीं तो फांसी चढ़ना पड़ेगा। संत क्या कहते हैं, भाई 84 भुगतने के बाद ये इंसानी जन्म मिला है, अपने छुटकारे का बंदोबस्त कर लो नहीं तो आगे फिर 84 भुगतनी पड़ेगी। 84 भुगतने के लिए करोड़ों साल चाहिए। महाराज सावन सिंह लिखा है, भाई एक जूनी 10 साल के करें तो 84 लाख जिया जूनी भुगतने के लिए 8,40,00,000 साल लगते हैं। 100 साल ही बहुत होते हैं, लाख भी करोड़ों साल लगेंगे। कबीर ने लिखा है, उजाड़ के अंदर दरख्त होता है, वहाँ से पत्ता जड़ जाता है, फिर वहाँ नहीं जुड़ता। यही हमारा हाल है। पात जड़ता यूं कहे, सुन तर पर बन राय, अब के बिछड़े ना मिले दूर पड़ेंगे जाए। सुई के नाके पर हजारों जीव है, तो ये सारा ब्रह्मांड रूहों से भरा पड़ा है, उनका भी इंसान बनने का नंबर आना है। जो हमारा नंबर कट गया तो फिर कट ही गया, सारी दुनिया गफलत में है। छाना कौन है जो संतों की सुबत करता है? क्यों ये कोर्स होगा संतों की सोच में आगे। संत संग अंतर प्रभ डिठा, नाम प्रभ का लगा मीठा। फरीद की फकीर की सुबत दुनिया में सबसे आला सुबत है, सबसे आला करनी उसका हुक्म मानना। वो क्या कहता है? वो कहता है तुम सिमरन करो, अंदर जाओ, ये जड़ चेतन की गांठ खोलो, वो आंख खोलो, तो इसको इसके अंदर अखुट खजाना है। इस गुफा में अखुट भंडारा, तिस फिस वसे हर आल कपारा। अखुट खजाना भी इसके अंदर है, वो मालक भी इसके अंदर है। वो मालक अंदर आ गया जिस मालक ने यह धरती बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, समुद्र बनाए हैं, करोड़ों ब्रह्मांड उसने बनाए हैं, सबको जिंदगी और ताकत दे रहा है। वो चीज़ अंदर आ गई फिर कमी किस बात की है? उस सबके अंदर बैठा है, अपनी रूप धारता रहता है, कोई धन इकट्ठा करने की लोड़ नहीं है। ये हमारा मन ये कहता है कि खूब धन इकट्ठा कर लो, उसके पास 100 रुपये हैं, वो कहता है मेरे पास 1,000 रुपये होने चाहिए, 1,000 वाला कहता है मेरे पास 1,00,000 होने चाहिए, 1,00,000 वाला कहता है मेरे पास 1,00,00,000 रुपये होने चाहिए। यह आशा तृष्णा आगे बढ़ती जाती है, किसी की भी कम नहीं हुई। जब मालिक को पढ़ कर ले जिस मालिक, तो इसके अंदर खुट खजाना है, वो सारे काम आप पे करता है, कोई माया इकट्ठी करने की लोड़ नहीं है। जब माया इकट्ठी कर ली फिर मन ये कहेगा भाई चोर चोरी ना कर ले, डाकू ना लूट ले, गवर्नमेंट ना छीन ले, पाए ना बटा ले, फिर माया का सिमरन हो गया। कबीर क्या कहता है, पानी बढ़िया नाव में, घर में बढ़िया दाम, दोनों हाथों ऊंची चाहिए, ये इशाना काम माया का दिशा है। माया कमानी है पर माया को आई चलाई रखना है, माया इकट्ठी नहीं करनी। भी माया इकट्ठी कर ली फिर अंदर रहेगा भाई चोर चोरी ना कर ले, डाकू ना लूट ले, गवर्नमेंट ना छीन ले, पाए ना बटा ले, आग में ना जल दे, पानी में, माया का सिमरन हो गया। माया को आई चलाई रखे, ये राम नाम का धन ही इकट्ठा करे। हरे धन संचोर जन पाई, सतगुरु सेव रहो सर लाई, माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरा दाउन ते छुटक्यो कर बैठो विश्राम। कबीर ने लिखा, यागढ़ भीतर सोना चांदी यही में लगी बजारा, यागढ़ भीतर हीरा मोती यही में परखनारा, अंदर लाल ज्वार माणक बुला दे, मन पर मिया लैने सकाई। पुराने खंडर होते थे, उनके खजाना दबे पड़े, पर सांप बैठा है, सांप को पकड़ोगे सब को मरवे तो खजाना है, इसके अंदर भी अखुट खजाना है। ये मन सब बैठा है, ये किसी को अंदर नहीं जाने देता। संत मिल गए, संतों ने सुन बता दिया, ये सिमरन करता जाएगा। 2 रुकावटें हैं, एक तो श्री का प्यार, एक दुनिया के ख्याल। तुम घर में खूब काम करो, काम करो तो घर में बरकत आएगी, चिंता घटेगी, श्री का प्यार हटेगा, मन विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा, तुम बैठने कबल बनोगे। तो पड़ाती मार के बैठे हैं, पैर सो गया,
वहां क्या हो गया, वहां से सुरत सिमट गई थी। संत कहते हैं बैठो, ये रोज रोज बैठेगा तो सुरत सिमटती जाएगी। वो कहते हैं सिमरन करो, ये सिमरन कर दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे। ख्याल यहाँ इकट्ठा हो गया, ये जड़ चेतन की गांठ खुल गई, वो मालिक अंदर आ गया, अखुट खजाना आ गया, तो वो आंख खुल गई, तो मालिक के दर्शन भी हो गए। ये क्या कहता है, इस गुफा में अखुट भंडारा तिस बसे अलकपरा। ये गुरु अमरदास जी ने प्रैक्टिकल किया है, तो बार बयान किया है, हम तो पढ़ने पढ़ने में रह गए। इस संतों का मार्ग एक कथनी का नहीं है, कथनी छोड़ कर नहीं करे तो कुछ सार, चाहे किताबें पढ़ के कोई पूरा विद्वान बन जाए, तो खूब सत्संग करे, खूब लेक्चर दे, ये सारी थोथी बातें हैं, उसे कोई असर नहीं पड़ता, आत्मा का उभार नहीं होता। जिसने MA की है वो MA करवा देगा, जिसने ये प्रैक्टिकल कोर्स किया है वो ये कोर्स करवा देगा। हाँ जी, हम बोल करिए, बोल हो गया, जल्दी मेरे बोलो, हमारी जियो हो बारी जियो बारी अमृत नाम मन बसावणिया। हाँ सुनो भाई, अमृत का हमने नाम सुनया है, अमृत खिन देखे के अमृत पी ले आदमी अमर हो जाता है, उस नाम के अंदर अमृत है। नवनिध अमृत पर्व का नाम देई में इसका विश्राम। हमें कोई संत मिले, उन्होंने तरीका बताया, हमने मेहनत की, नाम को पढ़ कर लिया, उसके अंदर अमृत है, अमृत पियोगे मन काबू आ गया, आत्मा रूहानी मंडल में चलेगी। कबीर कहता है मरे तो मर जाइए, फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे, दिन में ससुर बैठे थे रूप गई। हम तो इस पिंजरे में कैद हैं, ये 60-70 किलो बाहर लिए फिरते हैं। गुरु अमरदास जी क्या कहते हैं कि मैं उस महात्मा पर बार बार कुर्बान हूँ जिसने उस नाम को पढ़ करा दिया जिसके अंदर अमृत है। उन्होंने तजर्बे किए हैं, कोई स्कूलों में नहीं गए, कोई ग्रंथ नहीं पढ़े, अनपढ़े थे वो, तो उन्होंने अंदर तजर्बा किया है कि बार बयान किया है। उस्ताद जी क्या करते कि जो सिमरन करता है, मालिक को पढ़ करता है, उसके हम टट्टी चकने को तैयार हैं, उस पर बार बार कुर्बान है। हाँ जी, हो बारी जियो बारी अमृत नाम मन बसावणिया, अमृत नाम महारस मीठा, अमृत नाम महारस मीठा, गुरमति अमृत पियावणिया। हाँ, उस नाम के अंदर अमृत है, अमृत नाम महारस मीठा। ये मन ये लज्जत का आशिक है, बार इसको कितनी लज्जतें दो ये रजता नहीं है, कितनी ये विषय विकार भोगले थी आग भड़केगी। इस तरह हम आग के अंदर लकड़ी डालते हैं तो आग भड़केगी, तो ये मन जितने विषय विकार इसको दोगे ये भड़केगा, ये कभी आता ही नहीं है। फिर ये धन दौलत की तरफ जाएगा, मान बिढ़ाई की तरफ जाएगा। फिर इसका इलाज क्या है कि ये लज्जत का आशिक है, नाम के अंदर ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। ये फरीद ने लिखा है, फरीदा शक्कर कांड नवात गुड़ मक्ख्यो मजा दूध, सभ्य वस्तु मिठियाँ रब ने भोजन दूध। खांड मीठी है, गुड़ मीठा है, भैंस का दूध मीठा है, पर नाम की ऐसी लज्जत जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। नाम की लज्जत आ गई, ये मन काबू आ गया, मन मुस्सा पिंगल बया पी पर हर नाम, जिनको रस हर रस आया सो अंदर से नहीं लपटा है। मालिक के नाम का रस आ गया, उसका मन फिर बाहर कहीं जाता ही नहीं है। जब तक नाम की लज्जत नहीं आती ये मन काबू आता ही नहीं है, चाहे कोई कितनी तप कर ले, कितनी पुट्ठा लटक ले, कितना ही कुछ कर ले, ये मन काबू नहीं आता। ये क्या कहता है, दोबारा बोलो, अमृत नाम महारस मीठा, गुरमति अमृत पियावणिया। हाँ, गुरमति अमृत पियावणिया। गुरमति क्या, दुनिया में कितने तो संप्रदाय है, कितने धर्म है, ते असल में दो ही मत है,
मन मत गुरमत, सारी दुनिया मन मते में है। मन के कहे खाते हैं, मन के कहे पीते हैं, मन के कहे रिश्ते नाते करते हैं, मन के कहे भक्ति करते हैं। ये मन काल का एजेंट है, ये विषय विकारों की तरफ, धन दौलत की तरफ जाता है, ये माया को छोड़ना नहीं चाहता। क्या कहते हैं? गुरमति मनो सावणिया। गुरमति क्या? संतों ने उस मालिक को पढ़ किया है, संतों की मत है, वो गुरु की मत है। संत क्या कहते हैं? संत कहते हैं भाई शराब नहीं पीनी। कई कहते हैं शराब पीने से क्या होता है? शराब पीने से अहंकार आता है, क्या कराया सब गया जब है अहंकार। मांस नहीं खाना, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस संग, ताकि संगत मत करो पड़त भजन भंग। मांस खाने की सुभति करोगे तो भजन सिमरन नहीं होता। पराई बीबियों की तरफ नहीं देखना, हक लाल की कमाई करनी है, किसी की निंदा नहीं करनी। निंदा भले कहो कि ना मनमुख मुग्ध करण मुंह कड़े ते निंद का नर के गोर पाऊ, ते हक लाल की कमाई करनी है ते सिमरन करना है। ये मन की मत छोड़े, संतों की मत ले तो संत ये कोर्स करा देंगे। गुरमति मन मसावणे। हाँ जी, ओ गुरमति अमृत पियावणिया, आपे गुप्त प्रगट है आपे, गुरु शब्दी आप वंझावणिया। दोबारा बोलो। आपे गुप्त प्रगट है आपे, गुरु शब्दी आप वजावणिया। सुनो भाई, वो मालक जर्रे जर्रे में है, हमारे सबके अंदर है, पर वो गुप्त है। वो गुप्ता नाम बरते विच कलजू घट घट भरपूर रहा, ते वो किसी बिरले के अंदर प्रकट भी है। दोबारा बोली। आपे गुप्त प्रगट है आपे, गुरु शब्दी आप मझावणिया। गुरु शब्दी आप पहचाने। अब कहते हैं भी राम राम करी जाओ, अल्लाह अल्लाह करी जाओ, वाहगुरु वाहगुरु करी जाओ, इनके करने से कुछ भी नहीं होता। तुम एक इंच भी अंदर नहीं जा सकते। संतों ने कमाई की है, नाम को प्रकट किया है, उनका जो बताया हुआ वचन है वो कार्रवाई करेगा। गुरु वचन। अब बोली भी। गुरु का वचन सदा अविनाशी। हाँ, गुरु का वचन सदा अविनाशी। संत अपनी नज़र से, जुबान से, इसके अंदर वो राम नाम का बीज डाल देते हैं। वो बीज ना तो चमड़ी में है ना हड्डियों में है, वो आत्मा के अंदर कर देते हैं। ते काल महाकाल देवी देवता उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। अब राम राम कहने से राम नहीं मिलता, अल्लाह अल्लाह कहने से राम नहीं मिलता। राम राम सबको कहे, कहे राम न हुई, गुर प्रसादी मन बसे तांफल पावे कोई। रोटी रोटी कहने से भूख नहीं मिटती, रोटी खाएगा तो भूख मिटेगी। पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझती, पानी पिएगा तो प्यास बुझेगी। पानी अक्खर कोई और चीज़ है, खुद कोई और चीज़ है। रोटी खुद कोई और चीज़ है, रोटी अक्खर कोई और चीज़ है। तो संतों ने नाम की कमाई की है। संत ये कहते हैं भी तुम वाहेगुरु वाहेगुरु करो, वो ठीक है। संत कहते हैं भी राम राम करो, वो ठीक है। पहले संत मिलना जरूरी है। ये राम नाम का बीज ये संतों ने डालना है। संत मिले, संतों ने उस गुरु को अंदर प्रकट किया है। संतों का वचन है, वो गुरु का वचन है। राम नाम गुर वचनी बोलो, संत सभा में इरस टोलो। ये क्या कहता है? गुरु का वचन, गुरु का वचन सदा अविनाशी। हाँ, गुरु का वचन सदा अविनाशी, काल उसको नष्ट नहीं कर सकता। वो गुरु के तो इंसान के साथ रहता है। मस्ताना जी बिगड़ गए तो सत्संग के बाद नाम दिया, एक आदमी नाम लेके तो अपने घर चले गया। तो वो घर गया तो उसकी भैंस ने दूध नहीं दिया। उसकी घरवाले कहने लगे भी तू कहाँ गया था, ये घर भैंस दूध नहीं देती। कि मैं सत्संग सुन गया था, मस्ताना जी नाम लेके आया। उनके स्वा नाम लेके आया, जा वापस करके आ। वो बेचारा वापस आया, मस्ताना जी ने कहने लगा जी मैंने नाम वापस करना है। मस्ताना जी कहने लगे भाई तू वापस करे तो कर दे, ये नाम वापस होता ही नहीं है, ये तो आत्मा के अंदर इंजेक्शन हो गया।
तो संत अपनी नज़र से जुबान से इसके और राम नाम का इंजेक्शन कर देते हैं। सो संतों का वचन है वो गुरु का वचन है, राम नाम गुरबचनी बोलो संत सभा में इरस्ट लो। ये क्या कहता है, गुरु का वचन सदा अविनाशी। ये संत नहीं मिलते, उनसे सिमरन नहीं मिलता, हम सिमरन नहीं करते, हम मालिक की दरगाह में जा ही नहीं सकते। चाहे करोड़ों तप कर लो, करोड़ों तीर्थ कर लो, करोड़ों व्रत रख लो, इनका फल है अच्छी जून मिल जाएगी, स्वर्गों तक पहुंच जाओगे, पर मालिक के घर का रास्ता नहीं मिलेगा। ये रास्ता मिलेगा संतों के जरिए। जिस वक्र को लेन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। यूपी में पलटू फकीर हुआ है, उसने लिखा है, संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत नाम से वही मिलावे, वो है वाकफकार मिलन की राह बतावे, जप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से बैठे हुए। गुरु का वचन सदा विनाशी। आगे गुरु के वचन कटे जम्फांसी। हाँ, गुरु के वचन कटे जम्फांसी। जे संत नहीं मिलते तो जम तुझे खिड़े नहीं छुटता। पुन दान जो बीजे सब धर्म राय के जाई, बिन सतगुर जमकाल न छोड़े दूजे पा कोई। गुरु के वचन कटे जम फांसी। चाहे थोड़ी भक्ति है पूरा संत मिल गया, मौत के टाइम जमदूत नेड़े नहीं आएंगे। जो कोई संत शरण के दागी, तिनके काल दूर है बाकी, जम की जाल निकट नहीं आवे, मार्ग छोड़ अलग हो जावे। हाँ जी, गुरु का वचन जीव के संग। हाँ, वो गुरु का वचन जीव के संग, जो संतों ने सुन बताया वो जीव के साथ रहता है। उखजाने की चाबी है। मुस्तान के पास कोई आदमी आया, कहने लगा जी मैं बड़ा गरीब हूँ। मुस्तान ने कहने लगा नाम मिला है? हाँ जी, कि खजाने की चाबी तेरे पास है, सिमरन करी जा तो कोई कमी नहीं आएगी। हाँ जी, गुरु के वचन रचे राम के रंग। हाँ, जो गुरु दिया करो, गुरु के वचन रचे राम के रंग। और राम सबके अंदर है, पर वो प्रकट होगा संतों के जरिए। राम नाम पूंजी, संत नात्रा की कुंजी। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया, सिमरन करते जाओगे तो अंदर के राज खुलते जाएंगे। हाँ जी, जो गुरु दिया सो मन के काम। मन का काम क्या है? जो संतों ने सिमरन बताया उस सिमरन करना काम है। गुरु नानक साहब क्या कहते हैं, धंधे तावत जगवा दिया बूझे ने विचार, जन्म मरण विसारिया मन मुख मुग्ध कुमार। सारे मूर्ख है, कुमार है। जमींदार अपने कामों में मस्त है, दुकानदार अपने कामों में मस्त है, नौकरी पैसे वाले अपने कामों में मस्त है, बीबियाँ अपने कामों में मस्त है, लीडर अपने कामों में मस्त है, सब जाल तान के बैठे हैं। इसको पता नहीं होना काम क्या है। कह तू सिमरन कर, मालिक सब कुछ लिए खड़ा है। नाम दुबी छपरी बनाई, धन्य की गुए चराई, द्रौपदी की लाद रखी, गुरु नानक साहब सोए पड़े से सांप ले आके छाया करती। वो मालिक हर तरह से समर्थ है। तू सिमर जेरा काम तो सिर्फ सिमरन करना है, तो सिमरन करेगा तो मालिक कोई कमी नहीं देगा। इसलिए मांगने की लोड़ नहीं है, वो बेमोहताज ताकत है, उसको बेमोहताज कर देती है। हाँ जी, संत का किया सत्कर्मान। हाँ, संत का किया सत्कर्मान। जो संतों ने वचन किया है उस पर पक्का विश्वास कर ले, प्रार्थी मार के बैठ जा तो सिमरन कर, मालिक कोई कमी नहीं देगा। चाहे मन लगे चाहे ना लगे ना, कबीर ने लिखा है मन जाते जान दे, जड़ कर रख शरीर, उतरी पड़ी कमान से कैसे चले तीर। उस्ताद क्या करते, तुम मालिक के नाम पर पाखंड करके बैठ जाओ। लोग पाखंड ही करते हैं, लंगोट मार के टीवी पर बैठ जाओ तो लोग वहीं आप चला चढ़ने लग जाएंगे, वहीं देने लग जाएंगे। हाँ जी, गुरु का वचन अटल छेद। हाँ, गुरु का वचन अटल छेद, वो इसके साथ रहता है। जल नहीं डूबे तस्कर नहीं ले पा न सके जाले। हाँ जी, गुरु हमने अमेरिका जाना है, अमेरिका कैसे जाएंगे? पहले पासपोर्ट बनाएंगे, फिर वीजा बनाएंगे, फिर जहाज में बैठेंगे, फिर जा सकते हैं। तो मालिक की दरगाह में जाना है, पहले संत मिले, संत पासपोर्ट क्या देते हैं वो मालिक के हुक्म का सिमरन बता देते हैं। सिमरन करते जाओगे अंदर रास्ता मिलता जाएगा। जो संत वो नाम का इंजेक्शन करते हैं, इससे बड़ी दौलत और कोई है ही नहीं। आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, संतों ने उस सिमरन बताया वो भी सत्य है। हाँ जी, गुरु के वचन कटे भरम भेद। हाँ, ये त्रिलोकी तक सारा ही भरम है, झूठ का पसारा है। रोज ही पढ़ते हैं, कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ बैसनार, कूड़ मियाँ, कूड़ बीबी, कप वेखवार, कूड़े कूड़ने लग गया विसरा करतार। कुरान साहब क्या कहते हैं, काम क्रोध पर हर निंदा, लब लोभ होए नचिंदा, परम का संग्रह तोड़ निराला, हर अंतर हर रसवाया। वे सिमरन करोगे तो त्रिलोक से पार चले जाओगे, ये भ्रम का संगल टूट जाएगा, मालिक के नाम का रस आ जाएगा, आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी, इशारा खेल अपना बन जाएगा।
ये काम जिंदगी में करना है। साधु भाई जीवित ही करो आशा, जीवित संजय जीवित बूझे जीवित मुक्त निवासा, जो कोई कहे मोए मुकत ये झूठा दे विश्वास। ये लड़का जिंदगी में BA MA नहीं हो तो मरकर कैसे उठेगा, ये अनपढ़ मरिया तो अनपढ़ ही रहेगा, ये पढ़े लिखे मरिया तो पढ़ा लिखे रहेगा। हमने जिंदगी में ये काम करना है, भी ये काम नहीं किया जिस देख के इंसानी जो मिला था वो देव पूरा नहीं हुआ, इसलिए पशु खा पी के बच्चे पैदा करके चले गए, हम चले जाएंगे। हाँ जी, गुर का वचन कतु ना जाई। हाँ, गुर के वचन कतु ना जाई, मन चाहे तुम करोड़ों जप कर लो, करोड़ों तप कर लो, करोड़ों पुण्य दान कर लो, करोड़ों पुट्ठे लटक लो, ये मन काबू नहीं आता। श्रृंगेरी ऋषि ने 88,000 साल, पराशर जी पूर्ण योगी, विश्वामित्र ने 60,000 साल तप किया, रावण ने 4 वेदों को उसने पढ़ा फिर उनका अर्थ किया, काम उसके से पढ़ाई औरतें चुराई, मन तो काबू नहीं आया। मन काबू आता ही नहीं है, कितने ही जतन कर लो, फिर नाम की लज्जत आएगी तो मन काबू आएगा। मन मूसा पिंगल भया पी पारा नाम, गुर के वचन कतु न जाई, संत मिल गए, संतों ने सुन बताया, उन्हें नाम का रस लिया तो ये मन काबू आ गया। सीधा सा हिसाब है, ना कोई पुट्ठा लटकना है, ना कोई कान चराने है, ना कोई भगवे कपड़े पाड़ने हैं, ना कोई धूनियाँ तपनी है, ये अपना सहज योग का मार्ग है। घर के काम करते जाओ तो अपना स्मरण करते जाओ। मस्तान जी की महाराज सावन सिंह क्या करते थे, वे समुद्र पी लेते होठ गिले ना हो, किसी को पता ही ना लगे। हाँ जी, गुर के वचन हर के गुण गाई। हाँ, गुर के वचन हर के गुण गाई, जो संतों ने सुन बताया उसका स्मरण करना है। संतों सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे संतन का गुर प्रचारी तरिए, संतन शिव मेरे लेवा देवी, संतन शिव व्यवहारा, संतन शिव ला कटे भक्ति बड़े भंडारा। हाँ जी, गुर का वचन जी के साथ, गुर का वचन अनाथ को दान। हाँ, बेसहारों का सारा है। मस्तानी के पास कोई आदमी आया, कहने जी मैं बहुत गरीब हूँ, मस्तानी के लिए नाम मिलेगा? हाँ जी, कहते क्षण की चाबी तेरे पास है, सिमरण कर, मारा कोई कमी नहीं देता। प्रभ के सिमरण रिद्ध सिद्ध हृदियाँ तो पहली स्टेज है। हाँ जी, कई कहते मारे गुजारे नहीं चलते, गुजारे सबके चलते हैं, विषय विकार नहीं चलते। ये तो सिमरण करेगा चाहे मन लगे चाहे ना लगे, तुम प्रार्थी मार के बैठ। कभी लिखे मन जाते जान दे, दड़ कर रख शरीर, उतरी पड़ी कमान से कैसे चल, कोई बैठता ही नहीं है, 10 मिनट भी नहीं बैठता। हमारे दिल्ली में वो हाल भर मजलिस में हाल भर जाता है, तो 1 घंटे बाद हम कहते हैं अब 2 घंटे बैठो, तो सारे चले जाते हैं, 15-20 रहते हैं बस। हाँ जी, नाम का कोई गाह ही नहीं है। हाँ जी, गुर के वचन नरक ना पवे। हाँ, गुर के वचन नरक ना पवे, चाहे थोड़ी भक्ति है तो जो गुरु का भक्त है वो नरक में नहीं जाएगा। हाँ जी, गुर के वचन रसना अमृत रवे। हाँ, गुर के रचना अमृत रवे, अमृत क्या है, अमृत नाम के अंदर अमृत है, नोवित अमृत प्रभु का नाम देई में इसका विश्राम, जिम जिम बरसे अमृत धारा, मन पिवे सुन शोध विचारा, सिमरण करोगे अंदर जाओगे, जड़ चेतनी गांठ खोलोगे, नाम को पढ़ोगे उसके अंदर अमृत है। ये संत नहीं मिलते उनसे सिमरण नहीं मिलता, ये मेहनत नहीं करता मार्ग की तरफ हम जा नहीं सकता, अमृत पी नहीं सकता। हाँ जी, गुर का वचन प्रकट संसार। हाँ, गुर के वचन प्रकट संसार, ये असली भक्ति है। संत मिल गए, संतों ने सुनताया, सिमरण करते जाओगे तो बल्ले बल्ले होती जाएगी। मस्तान जी क्या करते, तुम मन के साथ मुकाबला रखो, फिर तुम्हारी पैरों की बेटी आंखों पर रखेगी, ये नाम को पढ़ कर लिया असली शोभा आ गई। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न हुई, जिन पर जाता सो शोभावंत, सकल संसार उतरे तीन मंत। मस्तान जी क्या करते, तुम मन के मुकाबला रखो, दुनिया तुम्हारी पैरों की मिट्टी आंखों पर रखी, उतनी तुम्हारी कदर बनती जाएगी, तजर्बा करके देख लियो। धर्म के पास का नया बीज निकलता है, गन्ने का नया बीज निकलता, चावल का नया बीज, हम तजर्बा करते हैं, ये भी तजर्बा करके देख लियो। तुमने घर के काम पर जाओ तो अपना सिमरण कर जाओ, लोग कहेंगे आओ भगत जी क्या हाल है, कि गलत काम करोगे कितने ही छुप के कर लो, पड़ोसी कह देगा जी ये लफंगा नंबर एक है। वाणी क्या कहती है, अनेक पर्द में कमा विकार, किन में प्रकट हो संसार, चाहे कितने ही छुप के कर लो उजार हो जाएगा। हाँ जी, गुर के वचन ना आवे हार। हाँ, गुर के वचन, ये घाटे वाला सौदा नहीं है, पलटू के पलटू बाजी लाई हो दो मेरी से राम, हारूं तो मैं राम की, जीतूं तो मैं राम। इस सौदे में घाटा घटे बड़ा सौदा नहीं है, ये सौदा करना है। वीर ने लिखा किन्नी बनजो कांसी तांबा, किन्नी लौंग सुपारी, संतो बनजो नाम गोविंद का, ऐसी खेप हमारी।
सच व्यापार करो व्यापारी दरगाह निभे तुम्हारी बन जमारा सतगुर पूंजी मारे नाम कया नगर नगर है नीको भी सौदा हर रस कीजे ये राम नाम का सौदा ये करना था ये सौदा होगा संतों की सोच में आगे बच्चे स्कूल नहीं जाते मास्टर की कदर नहीं करते वो पढ़ जाएंगे अनपढ़ रह जाएंगे आवारा हो जाएंगे। अब कई कहते हैं ये हर महीने वहाँ जाते रहते हैं क्या मिलता है वहाँ तो बच्चे हर रोज स्कूल जाते हैं तो ही MBA करेंगे सत्संग में आओगे तो ही लानत पड़ेगी। संत क्या कहते हैं संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान जो जो कदम आगे धरे जो यज्ञ समान एक एक कदम का एक एक यज्ञ का फल है। हाँ जी जिस जन होए आप कृपाल नानक सतगुर सदा दयाल। हाँ ये सुख दुख में डालने वाला काल है वो सतगुर दया दया करता है जिस पर मालिक दया मेर करे कोई संतों की सोच में आता है आपे संगत सदभाले आपे विदा आपको कौन लेके आया है वो मालिक ही लेके आया है वो आपे वापस ले जाता है ये उसी की हाथ है नहीं तो कोई ना कोई रिकॉर्ड पड़ जाती है अंदर ये बेनती करे भाई मालिका संतों की सोच में ले आ क्योंकि सोच दुनिया में सबसे आला सोच है सबसे आला करनी उसका हुक्म मानना अदे बात रखी। फकीरी की फकीरों की पहली तालीम यही है कि अपना चरित्र अच्छा बनाए। सुनो भाई अपना जो चरित्र अच्छा नहीं है तो इस लाइन पर कोई चल ही नहीं सकता एक कदम भी नहीं चल सकता एक इंच भी अंदर नहीं जा सकता इस पर कोई गौर नहीं करता। ये अच्छा चरित्र आध्यात्मिक महल की नींव है जिस महल की नींव नहीं है उस महल ने गिर जाना है कि चरित्र अच्छा होना चाहिए इसके लिए क्या करना है तुम घरों में काम करते जाओ एन थक के चूर हो गए कि डिग पड़े अच्छी नींद आएगी मन विश्व का रंग तृप्त नहीं जाएगा नहीं तो ये मन सबकी मिट्टी प्रीत करता है। साइंस ने तरक्की की है ये शरीर के सुख वास्ते किया है जितनी साइंस तरक्की करती है उतने ही बेड़ा गर्क मन तो शरीर का सुख चाहता है मन तो काल का एजेंट है ये अच्छा खाओ अच्छा पियो अच्छे मकानों में रहो दूसरे बेकार भोगो नरक में जाओ नरक में 84 में धक्के खाओ 84 में धक्के ना खो यहाँ से निकलो ना मन की मत त्यागो अर्जन ये आप बात कठिन ये मन की मत छोटे संतों की मत ले। गुरान साहब ने 12 साल तक रोड़ियों का बिस्तर रखा गुरुवरदास ने इकली से केस बांध के अभ्यास किया मस्ताना जी सारी सारी रात जागते रहते थे कि मकान बनाने से कभी गिराने लग जाते खूब मेहनत की है तो ये मन की मत छुट्टी छुट्टी है सिर का प्यार छुट्टी फिर अंदर चीज आई है। हाँ फकीरों की पहली तालीम यही है हाँ चरित्र अच्छा होना चाहिए। हाँ जी आजकल मोबाइल में तो सारा गड़बड़ा आती है। हाँ जी अपना चाल चलन सही रखे विषय विकार छोड़े। हाँ जितने विषय भोगता है उतनी बीमारियां हमारा साउंड सिंह लिखा है ये विषय विकार खांड में लपेटी हुई जहर है दुनिया जहर खाती है हाय हाय करती है। डॉक्टर कहते हैं ना भाई शुगर तो मीठा ना खाओ बाणी भी लिखा है मीठ रस खाई रोग बरीजे जितना मीठा खाओगे उतनी बीमारियां। दोबारा बोली विषय विकार छोड़े। हाँ विखय बन फीका त्यागरी सखिए नाम मारस पियो बिन रस चाखे बुढ़ गई सकली सुखी नो जियो मान मंत्र सत्य का ही साधा दासी थियो तेरी मान बड़े को कोई नहीं पूछता तो फकीरों की शोध करके उस नाम को पढ़ कर ले। सोचो काल ने 5 साल का पुतला बना दिया एक नाम रख दिया वो कह मेरा नाम होना चाहिए जे त्रिलोक में तेरा नाम हो जाए दुनिया सारी बल्ले बल्ले करती हो तेरे को फूल माल डालती हो अगर नरकों में पड़ा है तो नाम क्या करेगा नाम तो उस मालिक का है असली बड़ाई क्या है उस नाम को पढ़ करना। इस जग में शोभा नाम की नाम बिना शोभ ना हुई ये दुनिया झूठी है इसकी मान बड़ाई भी झूठी है इसकी दौलत भी झूठी है इसके स्वाद भी झूठे हैं टेम्परेरी है। हाँ जी लोभ लालच छोड़ी। हाँ लोभ लालच ये ना करे आलस में भी पड़े रहे भी जो मिलना ये नहीं है तुम सुबह उठो अपने काम पर जाओ कि ड्यूटी अच्छी तरह दो हेरा फेरी नहीं करनी है लापरवाही नहीं करनी है एंड सुस्ती से काम करना है तो शाम को इस मन को कह दो भी मैंने ड्यूटी पूरी की है अब भजन सेवन करना है फिर हेरा फेरी करोगे आलस करोगे काम करोगे बरतोगे तो तुम सेवन कर ही नहीं सकते। मैंने साहब फरमाया करते थे कि अपनी ड्यूटियाँ पूरी दे रात को इस मन को कह दे अब बैठ के भजन सिमरन करना है
या तो ये जड़ चेतनी गांठ खुल जाएगी या मौत हो जाएगी, इतना पक्का ही रहता होना चाहिए। नहीं तो शरीर का प्यार है, विषय विकार, इसको आगे चलने नहीं देते, एक कदम भी नहीं चलने देते। और वो इतने बैठे हैं, कोई सिमरन करता है, कोई नाम को पट किया किसी ने? हाँ जी, ये मन एक पिन लिखा है, मन जाना सब बात, जानती गुण करे काय की कुशलात, आत्मे दीपक कुएं में पड़े। आत्मे तो दीपक के सामने कुआ दिखाई देता है, मन उसमें पड़ता है, जाता है विषय विकारों की तरफ, जाता है फेरिया की तरफ। हाँ जी, गलत काम तो कितने करा रहे हो, सिमरन नहीं होता। ही मन मेला एक ना जाए, मक्के मदीने जाएगा, हरिद्वार जाएगा, अमरनाथ की यात्रा करने जाएगा, चाहे रास्ते में मर ही जाए, मिलना क्या है, कुछ भी नहीं मिलता। वो अग्निवेश ने एक बार अखबार में करा दिया भाई, अमरनाथ की यात्रा करने से कुछ नहीं मिलता, उसके खिलाफ केस कर दिया, तो जज ने मैंने फैसला ही कर दिया। हम तो नहीं कहते, बाणी कहती है, अभी सब कुछ घर में बार नहीं बाट और सुप्रम फलाई, जो ब्रह्मंड है सोई पिंडे जो खुज सो पावे। तरक्की होनी है अंदर जाने से होनी है। हाँ जी, निंदा चुगली छोड़ी, हाँ किसी की निंदा ना करो ना, निंदा भले काउ कि नाई मनमुख मुग्ध करण, मुंह काले तिन निंदका नरके गुर, यहाँ मुंह काला है आगे नरकों का अधिकारी हो जाता है। गुरु साहब ने लिखा है ओकल सभ्य कीतियन निंदक दारू ना है, आदमी कितने ही पाप कर रहे उसकी दवाई है निंदा की, कोई दवाई नहीं है। निंदा कौन करता है, जो अपने आप को अच्छा समझता है दूसरे को माड़ा समझता है। हम अंदर अगले के ओगुण देखते हैं, इसमें ओगुण क्या है, मस्तान जी क्या करते हैं, जो गुण सकता है उस रूप पर हम बार बार कुर्बान है। अमरदास का शब्द है, ओगुण विकण पल हरण है, गुण की सांझ करण है। ओगुण शिका देख भी ले तो छड्डो पूरे मैंने क्या लेना है, कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियों के पास, करणगे सो बढ़ेंगे तू व्यावदास। उन्हें तो अंदर गुण देखना, हर एक आदमी के अंदर कोई ना कोई गुण है, वे इसके अंदर गुण क्या है उन्हें गुण चकना है। शायद की मक्खी है वो फूलों पर भिन्न भिन्न करती है और रस लेती है बाकी छोड़ देती है, तो हमने क्या करना है अगले के अंदर गुण देखना है, भी इसके अंदर गुण क्या है, गुण चकने है। हम चकते हैं ओगुण, उल्टा काम हुआ पड़ा है। हाँ जी, अगर ये नहीं करता तो एक कदम भी आगे नहीं चल सकता, ये नहीं करता तो एक इंच भी अंदर नहीं जा सकता। सत्संग में आते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, भी संत ठीक कहते हैं, पर ये मन अमल नहीं करता, ये तो प्रैक्टिकल कोर्स है। हाँ जी, जो सारे घर के काम कर रहे हैं कोई कमी आती नहीं है, ये लड़ाई मन नहीं कराता है, ये अच्छा खाने मांगता है, विषय विकार मांगता है, काम करना नहीं मांगता, ये लड़ाइयाँ होनी होनी है, कड़ाई होनी होनी है। हाँ जी, जिस जन होए आप कृपाल, नानक सदगुरु सदा दयाल। हाँ, ये सुखो दुख में डालने वाला काल है, उस सुख तो दया दया करता है। हाँ, निर्मल बोल। आपे गोपात पर गट है आपे, गुरु शब्दी आप मझावने आ। ये जो बाणी है ना, ये पूर्ण तत्व के फैसले हैं, हम बाणी को घटा नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते, कोई नुक्स नहीं निकाल सकते। हमारा तो फर्ज ये बनता है भाई बाणी को समझना, उस पर चलना। हाँ जी, आपे गुप्त प्रगट है आपे, गुरु शब्दी आप पंजावने आ। गुरु तो सबके अंदर है, संतों ने गुरु को प्रकट किया है, संतों का वचन है वो गुरु का वचन है, संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया, उस सिमरन करते जाओगे सारे तजर्बे होते जाएंगे, अंदर का राज खुलना है, जो संतों ने सिमरन बताया वो सिमरन करोगे फिर राज खुलेगा, नहीं तो राज खुलता ही नहीं है। हाँ जी, चाबी के अंदर जो ताले के अंदर गलत चाबी डाल दी तो ताला नहीं खुलना, जो संत पूरा है तो ताला खुल जाएगा, संत नकली है तो नकली चाबी मिली है तो ताला खुलेगा ही नहीं, करोड़ों साल बैठा रहे। हाँ जी, गुरु शब्दी आप मझा बनिया, मैं मार बजर कपाट खुलाया, हमें
कपाट खुलाया नाम अमोलक गुरु प्रसादी पाया। हाँ सुनो भाई, यह मर्त जड़ चेतन की गांठ लगा के ते ये बारमुखी कर दिया, ये जड़ चेतन की गांठ लगी है। होम में अहंकार है, ये सबसे बड़ी रुकावट है भी मैं भी दुनिया में कुछ हूँ। ये अहंकार निकलेगा कैसे, चाहे तुम कितना ही दीनता करो, चाहे सारी उम्र ये दीनता करी जाओ, ये अहंकार नहीं निकलेगा। ये अहंकार निकलेगा सिमरन करने से। तुम सिमरन करोगे, सांस सांस सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए। सिमरन करोगे, वो मालक अंदर आ गया, ये अहंकार निकल गया। ये इस तरह है जिस तरह दफ्तर में डीसी बैठा है, पास में एक क्लर्क बैठा है, वो क्लर्क कुछ कह सकता है भाई मैं कुछ कर सकता हूँ, भाई जो कुछ करना है डीसी ने करना है, वो डीसी के हुक्म में रहता है, कोई हेरा फेरी नहीं करता। बाहर से लोग आते हैं उनकी कदर करता है। ये डीसी ना हो तो क्लर्क आकड़ के बैठेगा, सीधे मुँह बात नहीं करेगा, हेरा फेरी करने की भी कोशिश करेगा, सोच लाकियाँ करेगा। यही हमारा हाल है, अंदर मालिक दिखाई नहीं देता तो ये मैं नहीं छोड़ता, अहंकार छोड़ता ही नहीं है। ये जड़ जितनी गांठ खुलती भी नहीं है। वो संत मिल गए, संतों ने सिमरन बताया, इसने सिमरन किया कि वो गुरु अंदर आ गया। मैं था तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं ना, सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा को नानक ताके कारज पूरा। गुरु अंदर आ गया फिर वो मैं कैसे करेगा, ये कैसे करेगा भाई ये काम मैंने किया। हम संतों के जी आपने काम किया, संत कहते हैं भाई हमने तो नहीं किया, सतगुरु ने किया है। अहंकार कर ही नहीं सकता जब गुरु ऊपर बैठा है, फिर अहंकार कैसे करेगा। सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा को नानक ताके कारज पूरा। अहंकार निकल गया, मैं निकल गई, गुरु अंदर आ गया, फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर, वो बेमोहताज ताकत है, इसको बेमोहताज रखती है। ये ईर्खा निंदा चुगली बैर विरोध सब निकल गए। वो किसी ईर्खा नहीं करेगा, बैर विरोध नहीं करेगा, किसी नफरत नहीं करेगा, किसी दुखा नहीं करेगा। जो किसी का दुखा करता है, नफरत करता है, ईर्खा करता है, बैर करता है, तो वहाँ चीज आई नहीं है, सारी बीमारियाँ निकल जाती है। हम सारे ही रोगी हैं, रोगी ब्रह्मा विष्णु रुद्रा, रोगी सकल संसार। समस्त कौन है जिसने उस मालिक को पढ़ कर लिया, अहंकार निकल गया। ये क्या कहता है, होम में मार, होम में मार बजर कपाट खुलाया नाम अमोलक गुरु परसादी पाया। नाम को गुरु को एक ही चीज के नाम है, वो नाम अंदर आ गया। जिन्ना अंदर नाम निदान है, तिनके कारज के अंदर सारे काम रास आ गए। तिन चूकी मोहताजी, लोकन की किसी की मोहताजी करने की जरूरत नहीं है। हर प्रभु अंकर बैठा पास, जिस मालिक ने धरती बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, समुन्द्र बनाए हैं, करोड़ों ब्रह्मांड बनाए हैं, सबको जिनकी ताकत दे रहा है, वो चीज अंदर आ गई। फिर वहां इकट्ठी करने की लोड़ क्या है, किसी गुलामी करने की लोड़ क्या है, किसी निंदा करने की लोड़ क्या है, सारे सबके अंदर बैठा है। वो आपे काम करता है, वो संगत आपे पैसे दे जाती है, कोई मांगने की लोड़ नहीं है। वो बेमोहताज इसको बेमोहताज कर देती है। जो मालिक के गुण हैं, सारे गुण इसमें ऑटोमेटिक आ जाते हैं, सारे अवगुण निकल जाते हैं। हाँ जी, नाम अमोलक गुरु प्रसादी पाया। ये नाम ये पैसे से नहीं मिलता, त्रिलोकी राज दे तो भी नहीं मिलता, ये दिल की सच्चाई पर है। हृदय सच्चे करनी सार और सब पखन पुरस्कार। अंदर तुम खोट रखोगे तो वो मालिक नहीं आएगा। गुरु से कपट साथ से चोरी का वो अन्ना कोड़ी। उस्ताद जी क्या करते, कह तो कोई तुम्हारे लिए खट पट्टे, तू राह संभाल, वो डिग वैसी तू लंघ जैसी। ये दिल की सच्चाई पर है। जो पाप अंदर रखोगे, किसी प्रकार का पाप हो तो मालिक नहीं आएगा। हमारा सावन सिंह लिखा है, कपट पर जरा भी दाग है तो मालिक धोपी तय मर के स्नूक भी नहीं रखता। हमारे अंदर जरा भी दाग है तो मालिक नहीं आएगा। ये दाग उतरेगा सिमरन करने से, साफ हो गया तो मालिक अंदर आ गया। हाँ जी, नाम अमोलक गुरु प्रसादी पाया। नाम अमोलक क्या है, पैसे से नहीं मिलता।
जिस पैसे से मिले, रावण सोने के लंका का मालिक था, वो सोना बेच के नाम को लेता। मस्तान ने कहा जोर से मिले जवाहरलाल ले ले, पैसे में टाटा बिरला ले ले, ये तो दिल की सच्चाई पर है, सच्चे दिल से पुकार करोगे वो मालिक जरूर सुन लेगा। हाँ जी धनवान कौन है जी, नाम को पढ़ कर लिया, नियामत सरसे का मुस्तान जी की सेवा क्या करता था। मुस्तान जी कह लगे नियामत के पास इतनी दौलत है हिंदुस्तान को खरीद ले। हाँ जी, उस दुनिया की परवाह ही नहीं करता, लोग उसको पैसे देने जाते हो लेते ही नहीं है, लिख रखे उसके ऊपर मेरे कोई एक पैसा ना देना, हम उनको गावी यहाँ डेरे आ जा, तेरे को मकान कमरा देते हैं, दो तेरे को नौकर रख देते हैं, तेरे काम सेवा करेंगे, मैंने कोई लोड़ नहीं है। हाँ जी नाम अमोलक गुरु प्रसादी पाया, तो ये नाम को प्रकट करना ये असली भक्ति है। कलयुग में कर्म धर्म ने कोई नाम बिना उतारने हुए, ये लोग जब तब पूजा पाठ करते हैं, इनका फल है अच्छी जून मिल जाएगी, स्वर्ग को तो पहुंच जाओगे, पर जन्म मरण के बंधन नहीं छूटते। असली भक्ति उस नाम को पढ़ करना, नाम लियो तिन सब कियो, योग यज्ञ आचार जब तब संयम साधना सभी नाम के लाभ, करे तपस्या नाम बिन यज्ञ योग और दान, चरणदास सुन कै सभी थोथे जान। हाँ जी हर के नाम संसर्ग छुनाई, हाँ नाम के बगावन में कोई चीज नहीं है, हर के नाम संसार कछु नहीं, ये असली दौलत है, इसमें असली लज्जत है, असली बढ़ाई है। हाँ जी फिर तो नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, बिना अंदर नाम निधान है, नाम तो सबके अंदर है, जिन्होंने पढ़ कर लिया इनके कार्य अंदर है, सारे काम रास आ गए, तिन चूकी मोहताजी लोकन की, किसी की मोहताजी करने की जरूरत ही नहीं है, हर प्रभ अंकर बैठ, फिर तो नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, कोई दुख नेड़े नहीं आता, प्रवाह नहीं करता। हाँ जी अमल किसी के पास करोड़ रुपए हैं, उसको कोई कहे तू नंग है, वो कुछ भी नहीं बोलेगा, कहने दे अपना की है भूखी जा। हाँ जी हर के नाम संसर कछु नाई, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाई, हाँ, गुरमुख नाम जपत गत पाई, फिर कोई गुरमुख मिले, गुरमुख किसको कहते हैं, गुरमुख जाता कर्म विदाता जुग जारे कुछ छत पछाता, इसे नाम को प्रण किया है वो ये कोर्स करा देगा। स्कूल के अंदर मास्टर बैठा अनपढ़ है, बच्चे पढ़ जाएंगे आपस में लड़ेंगे, टाइम बर्बाद, लोगों से जाएगी तो अनपढ़ रह जाएंगे, ये मास्टर है पूरा तो बच्चों को पढ़ा देगा। अब ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ये रूहानियत के स्कूल थे, बिल्डिंगें तो आला से आला बन गए, वहाँ मास्टर नहीं रहे, गुरुद्वारे में जाओ मंदिरों में जाओ मस्जिद जाओ मत्था टेको तो जाओ, हम ये नहीं कहते तुम गुरुद्वारे में नहीं जाओ मंदिर में जाओ मस्जिद में जाओ, वहाँ जाके सेवा तो सिमरन करे वो फायदा उठा जाएगा। हाँ जी नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरुमुख नाम जपी एक बार, मन हर के नाम की महिमा ऊंच, नानक नाम उतरे पतित भूमूच, नाम उतरे पतित भूमूच, वाल्मीकि डाकू था भूमिया चोर था सज्जन ठग था, उस संतों की सोच में आके नेक पुष्प, आदमी कितने गुना कर ले उस संतों के सामने कह दे मैंने ये गुना किए हैं आगे नहीं करूंगा, ये संत माफ कर देंगे, ये आगे करेगा तो सारे के सारे भोगने पड़ेंगे, फिर कोई लाज नहीं है, पूरा परहेज रखना है। फिर वाल्मीकि डाकू था भूमिया चोर था सज्जन ठग था, उन्हें गलत काम किए थे, संतों की सोच में आगे अब नहीं करेंगे, ये संतों की महानता है, डाकू से संत बना दिया, दुनिया याद करती है वाल्मीकि को। हाँ जी हर का नाम जप दुख जाई, नानक बोले सहज सुहाई, सारी दुनिया दुखी है, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम मतार, नाम रंग सर्व सुख हुई, सुख मिलना है नाम को पढ़ करने से मिलना है, सिमरन करने से मिलना है, सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, सिमरन की साई में समाये, ये नाम अंदर आ गया सारा कुछ, फिर तो नाम कुमारी नानका चढ़ी है दिन रात, कोई ख्वाहिश रहती नहीं है, मन के सारे पंख कट जाते हैं। हाँ जी सगल असली नशा नाम का है, पुराण साहब से बाबर मिला तो उन्हें शराब पेश की, पुराण साहब ने कहा
नशा बांग शराब का उत्तर जात प्रभात है, नाम कुमारी नान का चढ़े रे तिंदा, ते तेरा शराब का नशा उसमें उतर जाएगा, ये नाम का नशा है, ये ऐसी नशा कभी नहीं उतरेगा। हाँ जी, सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हाँ सारी दुनिया ही दुखी है, और कोई खड़ा होकर मैं सुखी हूँ, चाहे हिंदुस्तान का राज त्रिलोकी का राज मिल जाए, कोई सुखी नहीं है यहाँ, सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हो सुखिया, ये नाम जपे सारे सुखा जाते, हर का नाम जपत सुखिया, सिमरन से सुख होता है, सिमरन से सुख जाए, कोई सिमरन करता नहीं है तो सुख मिलते नहीं है। हाँ जी, असली चीज तो सिमरन है, सिमरन पर अंदर ये चिंता रखो कि सिमरन बनना चाहिए, हम संतों के पास जाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, भी संत ठीक कहते हैं, पर ये मन अमल नहीं करता, ये काम ये है मार्ग, प्रैक्टिकल मार्ग है, करने का मार्ग है, कथनी छोड़ करने करे तो कुछ पैसा, ये करने का भेद है नहीं, बुद्ध विचार है, कथनी छोड़ करने करे तो कुछ सार, हाँ जी अपने घर के काम करे जाओ तो अपना सिमरन करे जाओ, अंदर ये चिंता रखो भी अपने नाम को पढ़ करना है, कि सतगुरु का आसरा रखे, मम्मी मालका तू कराए तो कराए, जो कुछ बढ़ना है तेरी दया मेरे से बढ़ना है, जो अंदर बैठा है उसी ने अंदर कुंडी खोलनी है, उसी का आसरा रखे, चाहे कितनी आदमी मेहनत करे वो नाम प्रकट नहीं होगा, एक तो अपनी मेहनत सतगुरु की दया मेरे दोनों ने काम करना है। हाँ जी, अनिक जोन जन्मे मर जाम नाम जपत पावे विश्राम, अपना हाल क्या है, कभी स्वर्गों में कभी नरकों में कभी मृत्युमंडल में, सारी दुनिया चक्कर में है, उस तरक चुंडा होता है, उसकी पालना कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे, ये हमारा हाल है, अनेक जोन जन्मे मर जाम नाम जोत पावे विश्राम, कभी कीड़ा कभी पतंगा कभी हाथी कभी घोड़ा, ये सिमरन करोगे ये मौका है, इंसानी जन्मा में चांस मिला है ये, बाकी तो भोग जूनिया है, ये डंगर मालिक की दरगाह नहीं जा सकते, दरखत नहीं जा सकते, पशु पंछी नहीं जा सकते, देवी देवता भी नहीं जा सकते, ये हमें एक चांस मिला है, इन छुटकारे का बंदोबस्त करते हैं, ये गया चांस आसे ताकि फिर चुरा सी तैयार है, एक एक मिनट की एक एक सांस की कदर करो, कबीर कहता कहता हूँ कह जा तुम क्या बजाऊँ डोल, श्वासा कर ली जाता है तीन लोग का मोल, एक सांस की कीमत तरलोक की हैं, अदालतों में केस चलते हैं, उनकी उम्र ही उनकी तो उम्र ही गुजर जाती है केस लड़ते लड़ते, हमारे गाँव में एक आदमी था उसके 2000 किलो जमीन थी, फिर लोग गवर्नमेंट ने किस्त बना दी तो वो झगड़े करते करते मर गया। हाँ जी, हर का नाम जन की बड़ियाई, हाँ हर का नाम जन की बड़ियाई, असली बड़ियाई क्या है उस नाम को पढ़ करना। हाँ जी, हर के नाम जन शोभा पाई, ना हर का नाम जब शोभा पाई, इंसान क्या तो मन का मुकाबला रखो, दुनिया तुम्हारी पैरों की बेटी आंखों पर रखेगी उतनी तुम्हारी कदर बनती जाएगी। हाँ जी, नाम तुल कछु अवर ना होई नानक गुरमुख नाम पावे जन, हाँ, कोई गुरमुख नाम पावे कोई, करोड़ों में से कोई एक है जो नाम को पढ़ करता है, करोड़ों में से एक है, फिर हम क्यों मत्था मारे हैं, कोई मानस मजदूरी देता है क्या रखे भगवान, आदमी किसी की मजदूरी रखता वो मालक भी नहीं रखता, ये तुम सिमरन करोगे तो मालक जरूर जाना देगा, ये कोर्स करना पड़ेगा, बिना कोर्स किए कोई अंदर जा ही नहीं सकता। कृष्ण भगवान पांडवों के सारथी थे ते उनको लड़ाई में जिता दिया, हम कहते हैं पांडव हिमालय जाके गए वहाँ क्यों गए, उन्हें सिमरन नहीं किया था, उद्धव कृष्ण भगवान के साथ रहा, कृष्ण भगवान मालक की दरगाह में जाने लगे, उद्धव कहते मेरी सांस ले चलो भाई ये झूठ है, बगैर अभ्यास के कोई जाए नहीं सकता, कृष्ण भगवान खुद बाडी में थे तो वो उनके साथ रहा, उनका दोस्त था वो भी नहीं जा सका, तो कृष्ण की मूर्ति बना के उसकी पूजा करना बोलो वो कैसे जाएंगे, विचार ही नहीं करता, मन किसी को होश ही नहीं आने देता, आत्मा है चेतन ये मूर्तियां है जड़, चेतन को जड़ की तरफ लगा दिया नरकों का अधिकारी हो जाता है, ये मुस्तान जी के वचन है। हाँ जी, हम तो किसी की निंदा नहीं करते। हाँ बोल, जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे, बस सुख मिलना है सिमरन करने से मिलना है और कोई तरीका नहीं है, ये मन दुखदाई है, ये मन कहता है भी कोठी बना रहे हो, कहीं मरबे खरीद लो, पैसा इकट्ठा कर लो, फिर सारी उम्र गुजर जाती है, ये दुख पकड़ा देता है, मौत के टाइम बहुत पछतावा रहता है, अभी जो काम करना था वो तो किया ही ना, ये राम नाम का धन ये इकट्ठा करना था, ये अपना काम है, अपना काम कोई भी नहीं करता, पर गधे पैर माल डोते,
कि कुटुंब कबीला तेरी हान करे, कुटुंब का परिवार का परिवार मोह सारी उम्र ही निकलता। इत मोह डूबा संसार गुण में कोई उतरस पार, जब लग मोह मगन संग माई तब लग धर्मराय दी सजाई। ये काम करो तो लोग मोह ओंकार घटेंगे सिमरन करने से, जो सिमरन करते जाओगे ये काम करो तो लोग मोह ओंकार घटते जाएंगे, उन्हें शांति आ जाएगी। हाँ जी, मन तन नाम जपो लिव लाई दुख दर्द मन ते भो जाई। हाँ, फिर कोई नाम मन आ गया फिर कोई डर नहीं रहता, मौत तो सारे डरते हैं मौत, नाम मरे फिर मौत का क्या डर है, यहाँ रखे वहाँ रखे जो पाओ तो रख ले। हाँ जी, तीसते दूर कहाँ को जाई उबरे राखन हर त्याग। हाँ, मालिक को छोड़े कहाँ जा सकते हैं, वो जर्रे जर्रे में है वो, तीसते दूर कहाँ को जाई उबरे राखन हर त्याई। बिच वो सिमरन करेगा तो नाम पट हो जाएगा, जिन हर त्याया सब कुछ तिसका तिसकी भोग गवाई, ऐसा तन दिया सुख दाते निकुट न कहूँ जाई। फिर तो नाम कुमारी नान का चले दिन रात, नाम मिले मन तृप्ति है बिन नामे दीर्घ जीवास, कोई गुरमुख सज्जन जे मिले दस्य पर गुणदास, वो तिस बेटो चौकनी है नाम करे प्रकाश, उस महात्मा पर बार बार कुर्बान हूँ जिसे नाम को अंदर बड़ करा दिया, संत प्रसादर नाम त्याया तब ते मन ताव तृप्त है। हाँ जी, संतों की सोच कोई बिरला ही करता, भाई करते ही नहीं है। वो एक जमींदार था, वो क्या चूड़े चपड़े संतों के पीछे फिरते हैं, अच्छे आदमी को क्या लोड़े संतों जी, हमारे घर आएगा दो मंदाने हम दे देंगे। हाँ जी, निर्भो झपे सगल भो मिटे। हाँ, वो मालिक निर्भय है, इसको ही निर्भय कर देता है, जो मालिक के गुण है सारे इसमें ऑटोमेटिक आ जाते हैं, ये काम क्रोध निकल जाते हैं, ईर्खा निंदा चुगली बैर सब निकल जाते हैं, सारे ही रोगी हैं, रोगी ब्रह्मा विष्णु शूद्रा रोगी सकल संसार, स्वस्थ कौन है जिसने नाम को पढ़ कर लिया, सारी बीमारियाँ निकल गई। जो अंदर चाहे भाई मैं इससे नफरत करूँगा, वो नफरत नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, किसी की बेइज्जती नहीं करेगा, निंदा नहीं करेगा, ईर्ष्या नहीं रखेगा, बैर नहीं रखेगा, सारी बीमारियाँ निकल गई, बस चाहे उसका कत्ल ही हो जाए वो कोई शिकायत नहीं करेगा। इसे मुझी को सूढ़ी चाट दिया, उन्होंने क्या कहा, मालका जिन्होंने मुझे सूढ़ी चाटा इनको माफ़ करते हैं, इनको पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। गुरु साहब को लाहौर के अंदर वो तत्ते तोम पर बिठा दिया, वो मियाँ मीर कहने लगा जी दिल्ली और लाहौर के शासकों ने आपका ये हाल कर दिया, आप हुक्म दो दिल्ली और लाहौर के ईंट से ईंट खड़का दूँ, किनकी खड़काएगा, उम्मी मालिक नहीं है, तेरा पाना मीठा लगे। जब तक ये शरीर का प्यार है ना, ये सुख दुख महसूस होते हैं, तुम शरीर से निकलना सीख लो फिर सुख दुख का कोई परवाह नहीं है। वैसे का प्यार सबको लिए बैठा है, देह प्यारी जीव को निश्चिंत सेवा माए, दादू जन्म मरण हो को छड़ दें। वाणी में साध संग मुख उज्जल हो, साध संग मल सकली खोल, साध संग मिटे अभिमान, साध संग प्रटे सो ज्ञान, साध संग बुझे प्रभ नेड़ा, साध संग सब होत निबेड़ा। पढ़ के परे हो जाते हैं, पढ़ने से कुछ नहीं होता, एक ही लाइन पर अमल कर लो बेड़ा पार है। मुक्सर का वकील है सुमेर, वो वहाँ हाई कोर्ट में जज के घर ठहरा, तो जब सुबह उठ के तो सुखमणी साहब का पाठ करने लगा, तो उसने दो घंटे लगाए, तो सुमेर कहने लगा जी ये आप पाठ अब कितने दिन से कर रहे हो, कह जी मुझे तो 30 साल हो गए, क्या आपको ये पता नहीं लग गया अभी ये पाठ कहता क्या है, ये कहता है तुम सिमरन करो, बात तो सिमरन करने से बननी है, लोगों के तो फैसले करते हैं, इतनी बात मेरे समझ में नहीं आ रही। हाँ जी, किताब पढ़ने से कुछ नहीं होता, पढ़ के अमल करो, एक ही लाइन पर अमल कर लो बेड़ा पार है। हाँ बोल, जन्म मरण के मिटे अंधे से साधु के पूर्ण उपदेश। हाँ, जन्म मरण के मिटे अंधे से साधु के पूर्ण उपदेश। संत कहते हैं भाई सिमरन करो, सिमरन जड़ चेतनी गांठ खुल जाएगी, आत्मा परमात्मा मिल जा रहा हल्का पारा। हाँ जी, सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाके मस्तक ले। हाँ, सर्व निरंतर एको देख, इसका क्या मतलब है, संतों ने वो मालिक को सबके अंदर देखा है, सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, ओ अविनाशी पुरख है सब मेरे इसमें, पढ़ते हैं ना सब घट रामा बोले राम बिना कबूल रहे, राम निकल जाए बस छुट्टी है, आज निरंजन परम निरंकारा सब में बरते एक निरारा, वो मालिक सबके अंदर है, ये सारे ही अपने, ये नफरत कैसे करेगा। हाँ, गुण गावत उतरस तेरी मेल, जो सिमरन करते जाओगे ये ओगुण निकलते जाएंगे ते मालिक अंदर आ जाएगा। हाँ जी, अहंकार निकल जाएगा, जब मैं था तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं ना, ये अहंकार ही बड़ी रुकावट है, धन फिरका एक ही संग वास्ता हमें पींत करा रही, ये हमें मिठी तपेदिक है पता ही नहीं लगता।
हाँ जी, आप जपो और नाम जपाओ, सुनत कहत रहत गत पाओ। संत आप स्मरण करते हैं, तुम भी स्मरण करो। आप जपे औरों को जपाए पहुंचे हर के राम। आपने जपे औरों को मना करे और दुष्ट नरक में पड़े। बीबियां है कई बजाय स्मरण करती है, उनके घर वाले शराब पीते हैं, वो आप भी नहीं करता, उसको भी नहीं करना, नरकों का अधिकारी हो जाता है, कोई गौर नहीं करता। ये मालिक है जिसको वो बख्शे, सतबुद्ध सतबुद्ध देव। हाँ जी, सिमर सिमर नाम बारंबार। किताब में लिखा है कि नशे खोर को लाख समझाओ, लाख लड़ते मारो, लाख किताबों के उदाहरण दो, वो किसी की नहीं सुनता। हाँ जी, नशे के कंट्रोल में होया पड़ा है, दबिया पड़ा है। हाँ जी, सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह अदा। हाँ, ये मन सिमर नहीं करता, ये मन मेला एक नाचा है। फौजी बॉर्डर पर खड़ा है, गोलियां चलती है, बर्फ पड़ती है, बम फटते हैं, वहीं खत्म हो जाता है, पर अंदर बैठ के सिमर नहीं करता। मक्के मदीने जाएगा, बाहर किताबें पढ़ लेगा, करोड़ों किताबों में पढ़ लेगा, तो सिमर नहीं करता। बात तो सिमर से पढ़नी है, सिमर का तो नाम लेती है वासी आने, सिमर तो बात ही ना करो ना। हाँ जी, सर्व निदान में हर नाम निदान। हाँ, ये राम नाम का धन, ये असली धन है, सर्व निदान में राम नाम निदान। हाँ जी, जप नानक दरगाह। हाँ, ये भक्ति मालिक की दरगाह में प्रवान है, सिमरन करके सत ताकत को पढ़ करना। बाकी पुण्य दान जो बीजे सब धर्म रह के जाए। कबीर लिखा है, नेम धर्माचार यग तप ये उरले व्यवहारा, जैसे मिले अखंड मोक्ष से सो मार्ग है न्यारा। वो मार्ग मिलेगा संतों के जरिए, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। संत का कौन सा मार्ग है, और वाणी मॉडल में जाता है। हमें कहते तुम भी चलो, चलन सा सतलोक मारे, छोड़ो ये संसारा। घर बार छोड़ देंगे, डेरे में जाके बैठ जाएंगे, गुरुद्वारों में जाके बैठ जाएंगे, मंदिर में जाके बैठ जाएंगे। ये तो आसान ही है कि घर बार छोड़ दिया, गृह धर्म से तो गया, एक कपड़े की लोड़ पड़ेगी, ठिकाने की लोड़ पड़ेगी, फिर रोटी की लोड़ पड़ेगी, पराया खाएगा, गधा घोड़ा बन के देना पड़ेगा। ये काल का देश है, यहाँ कोई चीज़ मुफ्त नहीं मिलती। जो किसी का खाएगा तो हिसाब देना पड़ेगा, कोई किसी ठगी करता है, ठगी किसी के साथ नहीं होती, अपने साथ ही होती है। मन बड़ा खुश होता है, वे काम खूब चलता है, खूब लूटते हैं लोगों को, कहीं भी आप फंस रहे हैं। हाँ जी, महाराज सोहन सिंह का, अगर तुम्हें कोई मुफ्त में कोई चीज़ है वो भी ना लो ना, उसे बदला कब दोगे? ये मन, इस मन के पास हथियार क्या है, ये गलत काम करता ही। ये कहता है ये जग मीठा आगे कि लेठा, तो सिमरन करो कि वो आगे करतेगा। हाँ जी, जिसका साथ इन कृपा धारी, साथ संग जप नाम मुरारी। नाम अमोलक गुर प्रसादी पाया। नाम की कोई कीमत नहीं है, पैसे से नहीं मिलता। पैसे से मिले तो रावण सोने की लंका का मालिक था, सोना बेच के तो ले लेता। जोर से मिले तो मस्तानी क्या करते, जवाहरलाल नेहरू ले ले। हाँ जी, ये दिल की सच्चाई पर है। नाम अमोलक गुर प्रसादी पाया, बिन शब्द नाम न पावे कोई, बिन शब्द नाम न पावे कोई, गुरु कृपा मन वसावणिया। बिन शब्द नाम न पाए कोई, गुरु कृपा मन वसावणिया। संतों ने शब्द को प्रकट किया है, जो उनका जो वचन है वो उस शब्द का वचन है। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया, सिमरन करते जाओगे वो नाम पाठ हो जाएगा। हाँ, इमाल की कृपा पर है। हाँ जी, कर कृपा अपने नाम लाए, चौथे पद में शोधन पाए, कृपा कृपा कर प्यारे, कुरु शब्दी हर रस पीजे। हाँ जी, गुरु कृपा मन वसावणिया।
अनजान अनजान सच ने त्री पाया गुरु ज्ञान अनजान सच ने त्री पाया अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया। सुनो भाई, आंख मृत्यु अंदर अंधेरा है, जब तक अंधेरा है हम सारे अज्ञानी है, सारे मूर्ख हैं। हमारा साउंड सिंह लिखा है, जिसने ये जड़ चेतन की गांठ खोल ली उसमें दार है, अकलबंद है, दानसबंद है, बाकी सारे मूर्ख हैं। संतों ने सुन बताया, इसने सिमरन किया अंधकार में गुरु मंत्र उजारा, सिमरन किया तो वो अंदर ज्योत अंदर आ गई, उजारा अंदर आ गया। नाम कोट सुरजारा नाम। हाँ जी, अंतर चानन अज्ञान पढ़ते ना, कर कृपा सतगुरु मिलिया, मन मंदिर में दीपक जलिया, वो सतगुरु अंदर आ गया, ज्योत आ गई, तसल्ली मिल गई। सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु है पूजा, सतगुरु से भी अवर नहीं रुझा, तो सतगुरु को पढ़ कर लिया, ये ज्ञान है। हाँ जी, अंधेरा निकल गया। ये सोचंदा होगी सूर्य चढ़ी हजार, इतने चरण हो गया गुरु बिन कोलंदर, अंदर तो अंधेरा ही है। हाँ जी, जब तक अंधेरा है हम भवसागर में, ये भी सोच लो अंदर, ये पक्का इरादा करो भी हमने उस ज्योत को सतगुरु को पढ़ करना है, पर सतगुरु का आसरा रखे, मुर्गा तुम दया में रख, जो मैंने साहब फरमाया करते थे कि तुम चुस्त होके बैठो, सिमरन करो, अंदर ये रखो, या तो मौत हो जाएगी या सतगुरु के दर्शन हो जाएंगे, इतना पक्का इरादा होना चाहिए। हम तो 10 मिनट नहीं बैठ सकते, रोज रोज बैठो, ये 2 टाइम रोटी खा लेता है, 3 टाइम चाय पी लेता है, जैसे मंगा टाइम आता है अकड़ जाता है, सिमरन मेला एक ना जाए, टाइम नहीं है। हाँ जी, टाइम तो सिमरन करने का है, मालिक सब कुछ लिए खड़ा है। हाँ जी, अंतर चानन ज्ञान अंधेर गवाया ज्योति ज्योत मिली मन माना ज्योति ज्योत मिली मन माना हर दर शोभा पावणिया। ज्योति ज्योत मिली मन मान्या, आत्मा परमात्मा से मिल गई, सारा खेल अपना बन गया, मन मान्या तो हर जाने, ज्योति ज्योत मिली मन मान्या हर दरगाह शोभा पावणिया। शोभा क्या, मेरी यहां भी शोभा आ गई, भले भले प्रसाद क्या, तुम सिमरन करो तो अंदर जाओगे, अनहद बाजे बजेंगे। हाँ जी, अनहद बाजे बाजन लागे, चोर नरिया तत्त हुए, गुरु जाम की भीत वाई, खुश रोने अंतर लिवलाई। ये असली वड्याई है। कौन सा पूरा है पखंडी बैठा है। हाँ जी, जब अंदर देख लिया फिर तसल्ली पूरी है, ये असली बढ़ाई है। हाँ बोल मुस्तान साहब। पूज्य मैनेजर साहब जी ने दयावड़ी सत्संग में फरमाया, सुनो भाई, 2 समय जरूर सिमरन पर बैठो, चाहे कुछ भी हो जाए सिमरन करने से कर्म कट जाते हैं और मालिक की दरगाह में पहुंच जाते हैं, चलते फिरते लगे रहो। सुनो भाई, पूज्य मैनेजर साहब। पूज्य मैनेजर साहब जी गज सिंहपुर सत्संग करने के लिए गए, लोगों ने बहुत स्वागत किया, महाराज जी ने फरमाया ये बाहर का स्वागत नहीं चाहिए, असली स्वागत है सिमरन करके मालिक की दरगाह में जाएं,
बाहर तो दो दिन की बढ़ियाई है, बाहर तो एमएलए या एमपी आ जाए तो भी स्वागत करते हैं, असली स्वागत सिमरन करके अपने छुटकारे का बंदोबस्त करें। असली बढ़ियाई क्या है, वे अंदर जाओ देवता फूल बरसाएंगे, ये मस्तान जी की रूह आ रही है, वो है असली बढ़ियाई, काले नकल बना रखी है। हाँ, दौलत मान बढ़ियाई विषय विकार नकली है सारे, ये बाद में पछताना पड़ता है कि प्राणी तब जागे जमका डंड मूड पर लागे, फिर बढ़ता कुछ नहीं है, बाहर की बढ़ियाई के पीछे लोग मरते हैं। हाँ जी, हाँ बोल निर्मल बोल। हर दर सो भा पावणिया, हर दर सो भा। ये सतगुरु को पढ़ करना, ये भक्ति मालिक की दरगाह में प्रमाण है, फिर इसकी शोभा है, फिर यहाँ भी शोभा है, आगे भी शोभा है, इंग्लैंड जाओ वहाँ भी शोभा है, चीन में जाओ वहाँ भी शोभा है, जहाँ भी जाओगे वहाँ शोभा है। हाँ जी, हर दर शोभा पावणिया। ये संतों ने बात कोई किताब में पढ़ के नहीं की है, उन्हें अंदर तजर्बा किया है, जब बार बयान किया है। हाँ जी, हम इसको कोई इन्हें कोई नुक्स नहीं निकाल सकते, कोई रद्द नहीं कर सकते, जो कह दिया सो कह दिया। हाँ जी, शरीरों पालन को बाहर जाए, शरीरों पालन को बाहर जाए, नाम न लहे बहुत बेगार दुख पाए। बोलो भाई, कबीर ने लिखा है, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के विदा हो याद, चीज तो घर में पड़ी है, सुबह घर से बाहर निकल जाता है, सारा दिन फिरता रहता है, तो उसके पले क्या है, तो मिलेगा क्या, मालिक इसके अंदर है, ये फिट्टा बाहर है। मस्ताना जी गए जाने, वहाँ सत्संग किया, कहने सिख अपना गुरु ग्रंथ साहब लियाओ, मुसलमान अपनी कुरान शरीफ लियाओ, ईसाई अपनी अंजील लियाओ, हिंदू अपने शास्त्र लियाओ, दिखाओ किसी को मालिक बार मिले तो, वो जब भी मिलेगा सही रूपी मंदिर में मिलेगा, वो मालिक के मंदिरों में भी है, मस्जिदों में भी है, गुरुद्वारों में भी है, सब जगह है वो, पर जब तक ये अंदर नहीं देखता ये बाहर दिखाई नहीं देता। जी की जुगत जाग के सब हाथ अंतर पार जानो साथ, अंदर देख लेगा फिर सब कहीं दिखाई देने लग जाएगा, सब जगह ही दिखाई देने लग जाएगा। एक अंग्रेज था, उसने महाराज सामा सिंह को चिट्ठी लिखी कि जी मैं हिंदुस्तान आना चाहता हूँ, आपके दर्शन करना चाहता हूँ। महाराज ने जवाब लिखा, हिंदुस्तान आने की कोई जोड़ नहीं है, तो सिमरन कर अंदर ही दर्शन हो जाएंगे, अंदर सारे ब्रह्मांड की सैर हो जाएगी। पर ये शरीर का प्यार, मिट्टी का प्यार, ये सबको लिए बैठा है, कोई छोटा राजी नहीं है। हाँ जी, हाँ, शरीर बालन को पार जाए, नाम न रहे बिगाड़ी, बिगाड़ी में उसका काम है, प्राय कदे बड़े फिरते हैं। हमारा समझ लिया, जो मालिक को बाहर ढूंढता है अपना कीमती टाइम बर्बाद करता है। हाँ जी, बाहर कुछ भी नहीं मिलना, चीज मिली है अंदर से मिली है, जिन पाया पेद कलंदर दा राखो जे अपने अंदर दा, वासी होया मंदिर दा फिर चढ़ दिए ले जे, कया नगरी में मंगन चढ़े जोगी नाम पल्ले भाई, दिल खोजो दरवेश पहलो, इसमें तो मनाते ही है। हाँ जी, नाम न लहे बहुत बेगार दुख पाए, मन मुख अंधे सोझी नाही, फिर किर आए गुरमुख वत पावणिया। हाँ, ये दुनिया में दो मत है, मन मत है गुरमत, मन मुख अंधे हैं, इनको सोझी नहीं है, इस चौरासी में जाएंगे फिर इनका छुटकारा कैसे होगा, कह गुरमुख वत पावणिया, कोई गुरमुख मिलेगा वो सिमरन बताएगा, ये सिमरन करेगा कि अंदर का रास्ता मिलेगा, फिर जन्मन के बंधन छूटेंगे।
नहीं तो अंधा आया अंधे चले गया। हाँ जी मन मुख अंधे सोझी नाही फिर आए गुरुमुख वत पावणिया तो भाई ये तो मालिक ने सारा खेल डाल रखा है, ये सब मालिक के हाथ है, जिस आप बुलाए सो भूले सो जिससे बुझाइंदा, जिसको बख्शना चाहता है अंदर से प्रेरणा देख के संतों के सोत में ले आता है। संत कहते हैं भैया तेरा देश नहीं ये काल का देश है, ये तेरी जात नहीं है तेरी जात सतनाम है, ये तेरा धर्म नहीं है तेरा धर्म है सिमरन करना। वो कहते हैं चल चल हंसा सतलोक मारे छोड़ो ये संसारा। हाँ जी गुरु प्रसादी सच्चा हर पाए गुरु प्रसादी सच्चा हर पाए मन तन वेख होमे मैल जाए। गुरु प्रसादी सच्चा हर पाए, गुरु की कृपा पर है, हमारा कृपा करता है, अंदर बैठा है, अंदर वाले ने कुंडी खोलनी है, उसकी कृपा पर ही है, अपनी मेहनत से कुछ नहीं बनता, मेहनत करनी जरूरी है। संत कहते हैं सिमरन करो, सिमरन तो होता ही नहीं है, ये कोशिश करेगा तो मालिक की तड़फ उठेगी, तड़फने दिया मेहर करनी है। हाँ जी मन तन वेख होमे मैल जाए। फिर पढ़ते हैं तन संतन का, मन संतन का, तन संतन का किया, संत प्रसाद हर नाम चाया सर्व सर्तव किया, संतां की होए दासरी ये चारा सिकरी, सकल गुणागुण उत्तम पता तोड़ने फिक्री, मन बेचे सतगुरु के पास ते सेवा के कार्य रास। हम संतों को तन देते हैं धन देते हैं मन नहीं देते। हाँ जी मन तन वेख होमे मैल जाए बैस सुथान सद हर गुण गावे सच्चे शब्द समावणिया। बैस सुथान सिर के 10 दरवाजे हैं, 2 आंखें दो कान दो नाक के सुराख एक उन रट्टी पेशाब, उन्हों द्वारा में नहीं आता, ये सब मैल है। बैस सुथान यहाँ ख्याल इकट्ठा करे, ये जड़ चेतन की गांठ खोले, दृष्टि तार मन भेदिया रतरे सह सुभाए, से स्वावी संग मिल प्रीतम आनंद मंगल गुण गाए, सखी सहेली राम रति मंत्र इंच पुजाए। ये नित्यनेम होना चाहिए, कोई दुर्गा चालीसा पढ़ता है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई रामायण पढ़ता है, कोई गीता पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है। हम ये नहीं कहते किताबें ना पढ़ो, पढ़ो, पढ़ने से शौक पैदा होता है, पर नित्यनेम तो ये होना चाहिए। प्लाथी मार के बैठे तो यहाँ ख्याल इकट्ठा करिए, जड़ चेतन की गांठ खोलने का यत्न करिए, ये नित्यनेम करना चाहिए। बैस सुथान सदहर गावे सच्चे सब समावणे। हाँ जी सच्चे शब्द समावणिया नौ दर ठाके तावत रहाए दसवें निज कर वासा पाए। सारी दुनिया ये नौ द्वारों में फिरती है, नौ दरवाजे कोट थे दसवां नूर महल, होज जाती पुरबरे तिस पिस कमलो चल, गिरद महल दे कोट है बावन किंगरे तिस किंगरे किंगरे तो पछी बढ़ने दें दे किस, कोई किला है बार पहरेदार बैठे होते हैं, किंगरे किंगरे तो पछी बैठे होते हैं, उनका मुकाबला करोगे उनको जीतोगे तो किला फतेह होगा। शरीर भी एक किला है, ये मन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 25 प्रकृति 3 गुण ये किसी को अंदर नहीं जाने देते। जो संतों ने सिमरन बताया वो खंडा है, सिमरन करना ये खंडा चलाना है, जो सिमरन करते जाओगे ये दुश्मन काबू आते जाएंगे तो ये किला फतेह हो जाएगा। हाँ जी ये मन है, ये अंदर से इनकी मदद करता है,
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या निंदा चुगली बैर विरोध असली चीज तो ये मन जड़, ये मन है जड़ ते ना, ये लजत का आशिक है। नाम के अंदर ऐसी लजत के मुकाबले में कोई लजत नहीं है। नाम की लजत आई तो मन काबू आ गया, मन काबू आ गया तो सारे सब काबू आ गए। मन मुस्सा पिघल बया पी परा ना मन वास्ते शब्द दे रहा था, ये मन बीजा शब्द पतीजे बिन नामे क्या टेक टकीजे। दिन को रस हर रस आया सो अंदर रस नहीं रहता है, मालिक के नाम का रस आ गया फिर ये मन दूसरी तरफ जाता ही नहीं है। निंदा में रस लेता है, ईर्ष्या में रस लेता है, मन बड़े में ये मन करता सारे कार्रवाई अंदर से इनकी मदद करता है ये। हाँ जी नौ दर ठाके सावत रहाए दसवें नीजे कर आगे ने बात नौ दर ठाके तावत रहाए दसवें नीचे घर वासा पाए। नौ द्वार से ऊपर जाएगा तो घर का रास्ता मिलेगा। हाँ जी उठे अनहद शाबत बजे दिन राती गुरुमती। ये कीर्तन तो घंटे दो घंटे है, इसमें 24 घंटे कीर्तन जारी है। हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे तीजन का दुख निकट ना आवे, 24 घंटे जारी है। जो अंदर जाएगा दर्शन भवे वो सुनेगा, वो बंद भी नहीं होता। कली की सत पहचान ए भक्ति चूके अभिमान। ग्रह समझ कह सो दर तेरा क्या सो गर्भ क्या जितने सर्व संभाले बजे तेरे नाद अनेक असंख्या किते तेरे बावन हारे किते तेरे राग परिचू कहिए किते तेरे गावन हारे। हाँ ये अनहद भी फना के दायरे में है। जाप मरे जप मरे अनहद भी मर जाए सुरत शमानी शब्द में ताको काल न खाए। हाँ जी गुरमति शब्द सुनावने हाँ, गुरमति सारे मन मते में है। मन की मत त्यागो अर्जुन यह बात कहनी, ये मन की मत छोड़े संतों की बदले। ये संत कहते हैं उस तरह करे, संत क्या कहते हैं एक सांस भी बैठा ना जाए प्रभु की उस तत् करो दिन रात इसे त्याओ सांस ग्रास हो या चंद बसे सुख नाल सांस ग्रास हर नाम संभाला। बिगड़ के काम करी जाओ तो अपना सिमरन करी जाओ, दुनिया की तरफ ना देखो। दुनिया अच्छे अच्छे खाने खाती है, सिनेमा में कल बम जाती है, हवाई जहाज घूम करती है, उन्हें तो अपना काम करना है, उन्हें आत्मा कल्याण करना है। हम बच्चों कहते हैं पहले पढ़ ले फिर नौकरी कर लेना, संत क्या कहते हैं पहले अपना काम करो ये जड़ चेतन की गांठ खोलो। हाँ जी फिर जिंदगी का मजा है। हाँ जी गुरमति शब्द सुनावणिया बिन शब्द। सुनो भाई ये तुम सिमरन करोगे ना ये वाणी समझ आती जाएगी। जो कोई सिमरन नहीं करता चाहे एमए पास कर ले वाणी समझ नहीं आती। अनपढ़ी है उसी मन करता जाएगा तो बाणी समझ में आती जाएगी, चाहे कोई बागड़ी है चाहे कोई होर है। हाँ जी बिन शब्द अंतर अनेरा न वस्तु लहे न चुके फेरा। नाम को शब्द को पढ़ करना असली भक्ति है। जब तक तो नाम से प्रकट नहीं होता ये अंधेरा दूर नहीं होता। बिन शब्द अंतर अनेरा ना वस्तु है न चुके फिर ना मालक मिलता है ना चुरासी खत्म होती है। पूर्ण ताकतों के फैसले हैं। बिन शब्द अंतर अनेरा ना वस्तु है न चुके फेरा ना मालक मिलता है ना चुरासी खत्म होती है। हाँ जी बिन शब्द अंतर अनेरा न वसूल है न चुके फेरा। वो न वसूल है आगे चलिया कर रहे बार बार वसूल है। सतगुरु कुंजी होर तो दर खुले नाही गुरु पूरे पाग मिलावणिया। हाँ ये राम नाम की चाबी सतगुरु के हाथ है।
सतगुरु तो कुंजी और तर खुले नहीं। संतों ने सतगुरु को पढ़ किया है, संतों का वचन है वो सतगुरु का वचन है। सतगुरु वचन कमावणे सच्चा ए विचार, बिन साधु संगत रत्या माया मोह संसार। हाँ जी, गाड़ी जाती है स्टेशन पर, अब वो कांटेदार होता है, वो गाड़ी को जिसको रोकना चाहता है रोक देता है, वो वापस करना चाहता है वापस करता है, आगे आगे तोड़ देता है। ये सतगुरु ये कांटेदार का काम करता है, जो आगे जाना आगे ले जाता है, जिसको वहाँ बिठाना बिठाता है, जिन्हें वापस कर देता है। हाँ, इस सतगुरु के हाथ है, सतगुरु तो कुंजी और दर खुले नहीं। हाँ जी, पढ़ते ना राम नाम पूंजी संतन आतरा की कुंजी, संतों ने सतगुरु को पढ़ किया है। हाँ जी, गुपत पर गट तू सबनी थाई, गुरु पर सादी मिल सोझी पाई। दोबारा बोल। गुपत पर गट तू सबनी थाई, गुरु पर सादी मिल सोझी पाई। हाँ, वो मालक है, वो गुप्ति है, पर किसी बिरले के अंदर वो प्रगट भी है। गुर प्रसादी मिल सोझी पाई, मालिक की कृपा से वो गुरमुख मिल गया, उसने तरीका बताया, हमने मेहनत की, उनाम अंदर आ गया। दोबारा बोल। गुपत पर गट तू सबनी थाई, गुर प्रसादी मिल सोझी पाई। नानक नाम सलाह सदा तू, गुरमुख मन वसावणिया। दोबारा बोल। नानक नाम सलाह सदा तू, गुरमुख मन वसावणिया। हाँ, नाम की सलाह ना कर, भी नाम को पढ़ करने का यत्न कर। हाँ जी, नाम पढ़ हो गया, सारे काम पूरे हो गए, इंसानी जाम सफल हो गया, आत्मा परमात्मा से मिल गई, सारा खेल अपना बन गया। हाँ जी, प्राणी हर जप जन्म गयो, सात सूजन कबर छुट से बिठा जन्म गयो। ये नाम को प्रकट नहीं किया, जिस जय के लिए इंसानी जन्म मिला था वो देव पूरा नहीं हुआ। जरे पशु खा पी के बच्चे पैदा करके हम चले जाएंगे। सियाणा तो वही है जो सिमरन करता है, सो चतर सो सियाणा, सो पंडित सूरा सो दाना, साध संग जिन हर हर जपियो नानक ते परवाना। जो फकीरों की सुबत करता है, उनका हुक्म मान के भजन सिमरन करता है, वो सियाणा है। हाँ जी, सियाणे तो थोड़े ही है। हाँ जी, नानक नाम सलाहे सदा तू, गुरमुख मन वसावणिया। गुरमुख मन वसावणिया। चलो भाई, धन धन सतगुरु तेरे यार। धन धन सतगुरु।